होगी। आपको हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये शुरू हो चुका है दरअसल कार्यक्रम, और यहां पर डीजीपी ओपी गिरहोत्रा इस परेड की सलामी लेने वाले हैं। कुल मिलाकर 9 टुकड़ियां हैं पुलिस की जो सलामी देंगी, और किस प्रकार से वो सभी अपनी अपनी जगह अलाइंड हैं, और पूरी व्यवस्था यहां पर शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, समारोह के मौके पर कई कार्यक्रमों का यहां आयोजन किया जाएगा। जयपुर के आरपीए में पुलिस दिवस आज मनाया जा रहा है, और समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर प्रदेश के डीजीपी ओपी गिरहोत्रा पहुंचेंगे, वो सलामी लेंगे, उसकी तैयारियां यहां पे की जा रही हैं। काफी दिनों पहले से इसकी रिहर्सल शुरू है, और पुलिस दिवस के उपलक्ष में आज डीजीपी यहां पर पहुंचेंगे, वो सलामी लेते हैं। तमाम जो टुकड़ियां हैं, 9 टुकड़ियां कुल मिलाकर हैं जो आज यहां पर प्रस्तुत करेंगी कार्यक्रम, सलामी देंगी डीजीपी को। और ये जयपुर से हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कैसे यहां पर कार्यक्रम का आगाज हुआ, और इस वक्त मंच पर एक एक करके तमाम अधिकारियों को और पुलिस महकमे से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एक तरह से उनका यहां पर सम्मान हो रहा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, जिस तरह के काम किए जाते हैं, उसके आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो इस वक्त मेडल वितरण समारोह यहां पर चल रहा है। श्री धीरज वर्मा, एक एक करके तमाम पुलिस अफसरों का नाम अनाउंस किया जा रहा है। यह सम्मान लें इंदौर में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। शरद पुरोहित हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता। शरद, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त पुरस्कार समारोह वहां पर चल रहा है, मेडल्स दिए जा रहे हैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, और किस तरह के कार्यक्रम आज देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, राज्य स्तरीय राजस्थान पुलिस दिवस का समारोह है, वो आज आरपीए ग्राउंड में भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें अभी 8 टुकड़ियों ने सेरेमोनियल परेड के जरिए अपना उत्कृष्ट यहाँ कहा जा सकता है प्रदर्शन किया। उसके बाद में भी यहाँ पर सम्मान समारोह शुरू हुआ है, जिसके तहत जो भी प्रदेश के अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मी है उनको टोपी गहलोत का, जो प्रदेश के मुखिया है डीजीपी है, वो उन्हें यहाँ पर मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये कुछ देर तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद में यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जो राजस्थान की नई धुन है, जो पुलिस के मोबाइल की रिंगटोन है, उसका आज अभी विमोचन किया जाएगा। इसके अलावा आरपी में बात करें तो ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें लगभग 250 पुलिसकर्मी राजस्थान भर के आएंगे और वो ब्लड डोनेशन करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम आज राज्य स्तरीय समारोह में आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, और उस वक्त मंच की सीधी तस्वीरें, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं या साल भर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, उस आधार पर उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं, और क्या प्रमोशन के भी आज ही अनाउंसमेंट किए जाते हैं शरद, और किस तरीके की बातें या अनाउंसमेंट्स यहाँ पर पुलिस महकमे के लिए डीजीपी आज कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ संभावनाएं जताई जा रही है कि राज्य पुलिस का जो बेड़ा है उसमें किस तरह से अच्छी बढ़ोतरी की जा सके, क्या नए कार्य किए जा सके, इनको लेकर जब अभी डीजीपी ओपी गल्होत्रा बोलेंगे तो हो सकता है उस समय कुछ घोषणाएं की जाए जो उनकी तरफ से तैयार की गई है। लेकिन फिलहाल की बात करते हैं तो जो प्रदेश के उत्कृष्ट पुलिसकर्मी है वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और एक एक करके परेड करते हुए वो स्टेज तक पहुंच रहे हैं, और जो ओपी गल्होत्रा जी है उनसे अभी लगातार लोगों से संपर्क करते हुए उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, एक एक करके उनको मेडल दिया जा रहा है, तो यही प्रोसेस लगातार अभी जारी है। जी हाँ, एक एक करके सबको सम्मानित किया जा रहा है, और यहाँ पर सलामी भी लेंगे डीजीपी, तमाम पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस दौरान। और किस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं? पुलिस दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, कैसे बीते दिनों इसकी तैयारियां हुई और आज आखिरकार इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर पिछले कई दिनों से इसकी रिहर्सल की जा रही थी, जो सेरेमोनियल परेड है यहाँ पर की गई है, उसमें कई अलग अलग टुकड़ियां शामिल है, जिसमें ट्रैफिक विभाग से भी टुकड़ियां शामिल है, महिला बटालियन जो हाड़ा रानी बटालियन है उससे भी एक टुकड़ी अजमेर से शामिल की गई है। इसके अलावा आरपीए की टुकड़ी शामिल है, राजस्थान पुलिस की टुकड़ी शामिल है, जयपुर कमिश्नरेट की टुकड़ी यहाँ पर शामिल है। इन लोगों ने पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस परेड की रिहर्सल की थी, उसके बाद में अभी ये परेड की गई। इसके अंदर डीजीपी ओपी गल्होत्रा को उन लोगों ने सलाह
सलामी दी। डीजीपी लगातार उनसे सलामी लेते रहे, लगभग 10 मिनट तक ये कार्यक्रम चला। उसके बाद में फिर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। लगभग 25 से 30 मिनट तक सम्मान समारोह यहाँ पर ये चलेगा, जिसमें जिन लोगों को यहाँ पर पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है उनको डीजीपी ओपी गल्होत्रा सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो रिंगटोन है पुलिस की, उसका विमोचन किया जाएगा। लगातार लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में आरबीए में ही ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है उसका आयोजन किया जाएगा। तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा, ये भी इस दिन की आज एक अहम खास कार्यक्रम की ही सूची का अहम हिस्सा है। और फिलहाल मेडल्स यहां पर दिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने शाबाशी के तौर पर उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनके प्रमोशंस का अनाउंसमेंट होता है। बीते काफी दिनों से इनकी तैयारियां यहां पर चल रही थी। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप सीधा जयपुर से देख रहे हैं। पुलिस दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। शरद हमारे साथ लगातार कमेंट कर रहे हैं। शरद, इस साल सूबे में चुनाव भी होने में है और पुलिस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं। एक वीडियो हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां पर अपराधियों ने हथियारों के साथ बकायदा उस वीडियो को बनाकर अपलोड किया था शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। तो चुनावों से पहले कानून व्यवस्थाओं से जुड़े कई बड़े मुद्दे भी बन जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी कैसी तैयारियां रहने वाली हैं पुलिस की अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए? डीजीपी क्या संदेश दे सकते हैं आज लोगों को? देखिए, डीजीपी उसे गल्होत्रा यही चाहते हैं कि चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और शांति पूरे प्रदेश में बने रहे। अभी कुछ समय पहले की हम बात करते हैं, आंदोलन प्रदेश भर में हुए, उसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को एक नुकसान पहुंचा था। 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के पास इनपुट था ये बताया गया, लेकिन उसके बाद में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं पुलिस नहीं संभाल पाई थी। उसी को कहीं ना कहीं जो आरोप पर लगे थे उनको हटाने के लिए डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने संकल्प लिया, और उसी के तहत कहा लगता है काम करते हुए आज सभी पुलिस कर्मियों को भी संकल्प दिलाएंगे कि चुनावी साल है तो उससे पहले सभी को मिलकर एक साथ प्रदेश की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। जब भी पुलिस की ज्वाइनिंग होती है तो उस समय तो ये संकल्प दिलाया जाता ही है, लेकिन समय समय पर उसको याद भी किया जा सके, उसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस दिवस पर फिर उन्हीं चीजों को याद एक बार सभी पुलिस कर्मियों को करवाया जाएगा और फिर सभी मिलकर प्रदेश भर से, क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह है तो प्रदेश भर से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी गल्होत्रा संकल्प दिलवाकर अपनी ड्यूटी फिर से याद दिलवाएंगे कि किस तरह से चुनावी साल में लोगों को सुरक्षा वो लोग दे सके। जी हाँ, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके, साथ ही लोगों के अंदर वो भावना जगा सके कि वो सुरक्षित महसूस करे, एक क्राइम फ्री समाज में वो लोग रहे। और सबसे अहम बात यहाँ पर सरकार के लिए ये भी हो जाती है कि चुनाव से पहले किसी प्रकार की कोई बड़ी वारदात, कोई बड़ा आंदोलन या फिर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिससे सरकार को नुकसान पहुंच सकता है, उसे लेकर भी तमाम अधिकारियों को आज संदेश देते हुए, निर्देश देते हुए प्रदेश के डीजीपी नजर आएंगे। इस समय यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, मेडल्स दिए जा रहे हैं। शरद, इसके बाद क्या होगा? अभी फिलहाल लगभग आधे से पौन घंटे तक ये समारोह यहाँ पर चलेगा। उसके बाद में सबसे पहले डीजीपी ओपी गल्होत्रा, जो धुन बनाई गई है राजस्थान में पहली बार एक ऐसी धुन मोबाइल की रिंगटोन बनाई गई है जो राजस्थान के सभी पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर एक साथ बजेगी, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है कि राजस्थान के पुलिस कर्मी अपने मोबाइल पर उसी रिंगटोन को लगाए। उसमें एक संकल्प है उस रिंगटोन में कि पुलिस किस तरह से काम करती है, और जो पुलिस का बैंड है खुद का, उसी की ओर से ये रिंगटोन यहाँ पर तैयार की गई है, तो उसका विमोचन ओपी गल्होत्रा की ओर से भी किया जाएगा, जिसके बाद में राजस्थान के सभी पुलिसकर्मी उसको जल्द अपनाएंगे। और एक साथ कहा जा सकता है कि जहां भी हम पुलिसकर्मियों के फोन पर रिंगटोन बजते हुए देखेंगे वो एक ही रिंगटोन होगी जो पुलिस को समर्पित होगी, तो इस तरह का एक प्रयास अभी कुछ देर में किया जाएगा। उसके बाद में डीजीपी ओपी गल्होत्रा से पुलिस का जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरह की उनकी योजनाएं हैं, किस तरह से अपराध को कम करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, तो इस तरह का फीडबैक भी लेने की ओपी गल्होत्रा यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो बताया गया कि ब्लड बैंक का, ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया जाना है, हाँ, उसमें भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर तमाम पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग हिस्सा लेते नजर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।